हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट कैसे बनती है, क्या क्या उसमें लगता है, ये देखिए। फ्लावर पॉट मैंने ये बना के तैयार कर ली है। तो इसी तरीके की हम फ्लावर पॉट बनाएंगे, तो इसमें क्या क्या लगता है देखिए। ऊपर हम 5 नंबर की रिंग लिए हैं, नीचे ये 3 नंबर की रिंग लिए हैं, 4 इसमें रिंग लगती हैं, 2 5 नंबर, 2 3 नंबर। और इसमें ये मटका शेप में मोती हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये मटका शेप में इसमें मोती लिया है। और ये मैक्रम लगते हैं इसमें, और हम डिजाइन कोई भी बना सकते हैं। इस डिजाइन की मैंने बना के तैयार कर ली, और अभी मैं एक डिजाइन और बना रही हूँ। इसमें बॉल चाहिए, ये 15 से 20 रुपए की प्लास्टिक की बच्चों वाली ये बॉल आती है, ये डाल के इसमें। अब सबसे पहले हम बनाने का तरीका देखिए, जैसे कि ऊपर से स्टार्ट करते, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने डाल के वायर तैयार कर लिया, देखिए 5 नंबर वाले रिंग है। सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से करना है, तो इसमें हम ये वायर डाल के तैयार कर लेंगे। इसमें 38 वायर डालेंगे पूरा, और डाल के सबसे पहले इसमें नॉट्स लगाएंगे। देखिए इसमें 38 वायर पूरा हम डाल के तैयार कर लिए, और सबसे पहले हम इसमें क्या करना है, नॉट्स लगाएंगे। अभी देखिए इसमें पूरा वायर कंप्लीट करके हम इसमें सबसे पहले नॉट्स लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे 4-4 इसमें वायर पकड़ के, और हम इसमें चारों तरफ नॉट्स लगाएंगे। इसमें 5 लाइन नॉट्स की लगाएंगे, उसके बाद में नीचे छोटी रिंग जो 3 नंबर ली है वो सेट करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमने रिंग सेट करके इधर नोट्स लगाए हैं। इसमें 5 लाइन नोट्स की लगा के, और इधर 2 लाइन नोट्स की लगा के, और जो ये ऊपर के हमारे गुलदस्ता रखने के लिए हो गया। तो इसमें हम नीचे ये मोती लिए हैं ग्रीन कलर के, देखिए ग्रीन कलर के 1 लाइन देंगे, और फिर इसमें रेड कलर के मोती डालेंगे पूरे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये इसमें बीच वाले 2 वायर पकड़ने हैं, ये देखिए ऐसे ये 2 वायर पकड़ने हैं, और इनमें हम मोती डालेंगे। 2 वायर में एक साइड में मोती डालेंगे, और फिर 2 वायर में एक साइड में मोती डालेंगे। ये इस तरीके से दोनों वायर में मोती डाल के 4 वायर हो गए। तो 4 वायर हो गए, तो इसमें बीच में नॉट्स लगाएंगे हम, ये इस तरीके से, देखिए ऐसे बीच में नॉट्स लगा के फिर से हम 2 वायर में मोती डालेंगे। हर 2 वायर में मोती डालना है इसमें, और 1 लाइन ग्रीन की देखिए ऊपर, फिर पूरे में हम रेड डालेंगे, फिर नीचे भी ग्रीन की 1 लाइन देंगे, और डिजाइन बनाने के लिए।
अभी इसी तरीके से हम पूरे में दो दो में डाल के और 27 पूरा वाइट डाला है इसमें, और इसी तरीके से डाल के पूरे एक लाइन नोट्स इसकी देंगे, और इसके बाद में इसमें दो दो में ही हम रेड डालेंगे, वो भी मैं बताऊंगी आपको। अभी देखिए ग्रीन वाले की इसमें लाइन मेरी कंप्लीट हो गई, और उसी तरीके से दो दो वायर में, ये देखिए दो वायर पकड़ना है, इसमें मोती डालना है, दो वायर इसमें मोती डालना, बिल्कुल सिंपल है ये। और फिर से चार वायर पकड़ के इसमें नोट्स लगाना है इस तरीके से, देखिए ऐसे, और फिर से इस दो वायर में ऐसे, अब इसमें हम चार लाइन इसकी रेड कलर की देंगे, और फिर लास्ट में ये ग्रीन की दे देंगे नीचे भी, और फिर ये रिंग छोटी वाली सेट करेंगे, तीन नंबर वाली। ये अपना आप ही इधर से लूज हो जाता है, तो बॉल डाल के और फिर टाइट से ये लाइन लास्ट में बॉल डालने के बाद देना है। देखिए इसी तरीके से दो दो वायर में डाल के चार ही वायर का नोट्स वही होते हैं सेम, सिर्फ मोती डालने का तरीका अलग है इसमें, क्योंकि अगर हम सीसा झूला कुछ और बनाते तो उसमें बीच में दो वायर में मोती डालते हैं, लेकिन इनमें साइड में डालते हैं। अभी देखिए हमारी तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई, ये रेड की कंप्लीट हो गई, फिर से हम दो दो इसमें एक साथ मोती डाल सकते हैं, ऐसे दो दो डाल के फिर से हम इसमें इसी तरीके से नोट्स लगाएंगे। तो इसको न्यू डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना है, अब ये दो लाइन इसकी हो गई, तो फिर हम दो लाइन ग्रीन की देंगे, तो इसमें फ्लावर से बन जाएंगे, बहुत सुंदर लगेंगे बनने के बाद में, ये पूरी कंप्लीट होने के बाद में। देखो इसी तरीके से हम जैसे ये रेड डाल रहे हैं उसी तरीके से ग्रीन डाल के अभी दो लाइन हम ग्रीन की देंगे इसमें, ये देखिए अभी इसमें दो में डाल दे, तो इसमें हम दो में डाल के देखिए इसी तरीके से हम पूरी बना लेंगे ये। अभी देखिए जैसे रेड डाल के नोट्स लगाए थे, इसी तरीके से हम ये ग्रीन दो दो में डाल के नोट्स लगा रहे हैं, ये इस तरीके से, ये देखिए दो में इनमें और दो में इसमें, और ये चारों वायर पकड़ के नोट्स लगाना है हमें। देखिए इस तरीके से, अभी देखिए इसमें एक ग्रीन वाले की कंप्लीट हो गई, ये हमने चार डाल दिया रेड वाले, अब ये ग्रीन वाले की एक कंप्लीट हो गई, दो दो में इस तरीके से हम फिर से डालेंगे ये ऐसे,
और फिर से हम नॉट्स लगाएंगे इनमें, तो ये भी चार हो जाएंगे ऐसे फ्लावर सा। देखिए ये चार का ऐसे हो गया जैसे रेड का हुआ उस तरीके से, तो इसी तरीके से हम डबल कलर का बना रहे हैं ये फ्लावर पॉट। अब इसके बाद में हम फिर से रेड देंगे, ये देखिए इसके बाद में हम फिर से रेड देंगे इसी तरीके से, और पूरा कंप्लीट होने पर हम इसको नीचे ईयरिंग लगाएंगे, फिर सबसे नीचे ईयरिंग लगाएंगे बोल डाल के। अभी देखिए फ्रेंड यहाँ तक बना के हम तैयार कर दिए इसको, और इसमें जो बोल ले रखे हमने बोल डालेंगे इसमें। तो बोल डालने का तरीका देखिए इस तरीके से इसको खींच के डालना पड़ता है, क्योंकि हम टाइट टाइट नोट्स लगाते हैं ना, तो इस वजह से। देखिए बोल सेट करने के बाद में दो लाइन हम फिर से और बनाएंगे इसकी इसी तरीके से। अभी देखिए इसमें ये बोल सेट करने के बाद में जो हम नोट्स लगाएंगे तो वो अच्छे से टाइट से लगाने हैं, क्योंकि ये बोल अच्छे से सेट हो जाएगी, लास्ट लाइन है हमारी मोती की, तो इसको खींच खींच के अच्छे से लगाएंगे। फिर इसमें रिंग सेट करेंगे हम इस तरीके से। ये यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा दो नोट्स लगा दिए मोती के बाद में, दो नोट्स लगाने के बाद में जो रिंग लिए थे हम छोटी वाली और रिंग इसमें डालेंगे इस तरीके से। ये रिंग डालने के बाद में हर नोट्स के पास हम पाइपिंग निकालेंगे इसमें दो दो, ये इस तरीके से पकड़ना है इसको और ऐसे। देखिए इस तरीके से पूरा वायर है इस रिंग में कवर कर देंगे हम। अभी देखिए फ्रेंड ये मेरा फ्लावर पॉट बनके तैयार हो गया, इसको फ्लावर पॉट भी बोलते हैं और मटका भी बोलते हैं। तो इसमें ये रिंग सेट कर दिया हम, जैसे इसको इधर सेट करे थे स्टार्टिंग में ऐसे ही इसको रिंग सेट करने के बाद में लास्ट में वायर बचता है, तो ये वायर इसमें उसी तरीके से हम पाइपिंग निकाल निकाल के कवर कर दिए। तो इसमें हम चाहे तो ऐसे भी कट करके चिपका सकते हैं लाइटर से, लेकिन मैं इसमें एक पाइपिंग निकालूंगी क्योंकि अच्छे से ये लूज नहीं होएगा, इसलिए मैं इसमें एक एक पाइपिंग निकाल रही हूँ। तो पाइपिंग कैसे निकालना है इसमें देखिए इस तरीके से ही पाइपिंग निकलेगी, जैसे हम एक वायर का दो इसमें प्लेटा लगा के और छोड़ देंगे देखिए इस तरीके से, और फिर इसको कट करके हम लाइटर की मदद से इसको चिपका देंगे वापसी। अभी देखिए फ्रेंड मेरा ये फ्लावर पॉट बनके पूरा तैयार हो गया, और ये कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में, और बहुत आसान तरीका इसका बनाने का भी, ज़्यादा वो नहीं है। देखिए इधर हम इसको बोल में छेद करके फ्लावर रख सकते हैं, और नीचे ये स्टैंड बन गया। फ्लावर रखने का तरीका मैं आपको बता,
अभी देखिए इसमें बड़े फ्लावर भी रख सकते हैं हम, छोटे भी रख सकते हैं। तो ये मैंने नॉर्मल छोटे फ्लावर रख के और इस तरीके से रख सकते हैं कैसे भी। और ये फ्लावर पॉट हमारी बनके पूरी तैयार हो गई। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं फिर से समझाऊंगी अच्छे से। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।